आज मैं आपको एक इस तरह के चैनल के बारे में बताने वाला हूं जिससे कोई भी ओपन करके YouTube से लाखों रुपए महीना कमा सकता है। ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपको ज्यादा एडवांस होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम समय में अपने घर से बिना किसी लाइट बिना किसी सेटअप के इस तरह का वीडियो बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक भी रुपया का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से अपने घर के सामान से और अपने घर के प्रॉब्लम से ही वीडियो बना सकते हैं। आपको साधारण साधारण टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है और ये एक ऐसा कैटेगरी है, ये एक ऐसा टॉपिक पर वीडियो होता है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। सभी लोगों को इन सभी टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद होता है, उनके काम का टॉपिक होता है। अब जैसे कि अगर आप टेक के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ जो मोबाइल से रिलेटेड लोग होते हैं वही आपका वीडियो देखते हैं, या फिर अगर आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो जिनको खाना बनाना होता है सिर्फ वही आपका वीडियो देखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कैटेगरी है कि अगर आप इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो इसका जरूरत सभी को होता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो टेक से रिलेटेड काम करते हो या जॉब करते हो, सभी को इन सभी टॉपिक की जरूरत होता है और सभी लोग इन टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन टॉपिक का डिमांड कितना ज्यादा है और इसीलिए आप इस तरह का वीडियो बनाकर अपने चैनल को बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप अपने घर के छोटे छोटे प्रॉब्लम के ऊपर, छोटे छोटे प्रॉब्लम के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। अब मैं आपको बेहतर से समझाने के लिए एक चैनल का आपको एग्जांपल देता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं क्रिएटर सर्च 2.0 चैनल का नाम है। अब यहां पर आप इनका वीडियो देखेंगे तो ये साधारण टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो हमारे घर में छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है उसी टॉपिक पर वीडियो, और आप देख सकते हैं कि इनके वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज भी आता है और इनके चैनल पे 60,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। अब जैसे कि यहां पर इनका आप टॉपिक देखिए कि बिना दवाई के चूहे को घर से बाहर भगाने का तरीका। अब ये प्रॉब्लम तो सभी के यहां होता है कि घर में चूहा आ जाता है, कपड़े को काट देता है, अलग अलग चीजों को काट देता है, तो उससे भगाने के लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि चूहों को कैसे भगाएं, तो इनका वीडियो सर्च में आता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पर्दा लगाने का सही तरीका, या फिर बिजली का बिल आधा कैसे करें, यहां पर आप ये देख सकते हैं, या फिर कोलगेट ने कमाल कर दिया, झाड़ू में हल्दी डालते ही चौंक जाएंगे, गैस सिलेंडर खत्म होने का झंझट खत्म। अब आप सोच सकते हैं कि गैस सिलेंडर तो हर घर में काम आता है, सभी लोग गैस सिलेंडर का यूज करते हैं और गैस खत्म भी होता है, तो इन्होंने एक ऐसा ट्रिक बताया है जिससे कि आपका गैस कम से कम खत्म होगा। तो बताइए इस टॉपिक की जरूरत किसको नहीं है, सभी लोग इन टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इसी तरह से नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारा और भी इन्होंने साधारण साधारण टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम हम लोगों के घर में होता है कि हमारा दीवाल पपड़ी ले लिया तो उसको कैसे सही करना है, या फिर अगर हमारा कोई ऐसा डब्बा है, ऐसा कोई बोतल है जिसमें हमारा हाथ नहीं जा रहा है तो उसको हम कैसे क्लीन करें, इन सभी टॉपिक पर इन्होंने वीडियो बना रखा है। अलमारी में कपड़ा रखने का सही तरीका क्या है, या फिर यहां पर और भी आप देख सकते हैं महिलाओं के काम आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सभी ऐसे टॉपिक है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है, इसलिए आप देखेंगे तो इनके एक एक वीडियो पे मिलियन मिलियन में भी व्यूज आया है। जैसे कि 7 महीना पहले जो वीडियो बनाया गया था उस पर आप देख सकते हैं 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, दूसरे वीडियो पर देख सकते हैं 8 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, तीसरे वीडियो पर देखेंगे 3 लाख से ज्यादा व्यूज है, चौथे वीडियो पर आप देखेंगे तो 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज है। इसी तरीके से 3.5 लाख, 3 लाख, 30,000, 3 लाख, 2,000, 3 लाख, 34,000, 2 लाख, 30,000, 1 लाख, 99,000, इस तरीके से व्यूज आया है। और टॉपिक क्या है, एकदम से सिंपल सिंपल सा टॉपिक है कि बिना हाथ लगाए आप अपने गंदे बर्तन को कैसे साफ करें, या फिर अगर आपके किसी बर्तन में ज्यादा जंग लग गया है तो 1 चम्मच हल्दी मिलाकर उसे आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में जूता चप्पल रखने में प्रॉब्लम होता है तो आप अपने बोतल का यूज करके जूता चप्पल रखने वाला अलमारी आप कैसे बना सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन सब्जी के छिलकों को ना फेंके इसका यूज करके आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं, या फिर बिना प्रेस के भी आप अपने कपड़े को प्रेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इन्होंने बता रखा है, या फिर अगर आपका कड़ाही ज्यादा जल गया है तो कैसे आप बर्फ और हार्पिक डालकर उसको क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से जो नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक पर इन्होंने वीडियो बना रखा है। और अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो कोई भी इन्होंने ज्यादा सेटअप नहीं किया कि आपको लाइटिंग लगाना है, इस तरीके से आपको ज्यादा सेटअप करना है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साधारण आप अपना कैमरा ओपन करके वीडियो बनाना चालू कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इन्होंने सिंपल वीडियो बनाया है, ना कोई इन्होंने चेहरा दिखाया है, ना कोई ज्यादा इन्होंने सेटअप किया, मतलब ज्यादा छोड़िए आपको कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। जो आपका प्रॉब्लम है अपने नॉर्मल प्रॉब्लम के ऊपर आप वीडियो बनाना चालू कर दीजिए और आपके
आपके वीडियो पर धीरे धीरे व्यूज आना चालू हो जाएगा। और अगर घर है तो घर में तो प्रॉब्लम होता ही रहता है, किचन से रिलेटेड बहुत सारा टिप्स ट्रिक होता है कि कभी हमारे आटे में नमी आ जाता है तो उसको कैसे सही करना है, फिर दाल चावल में कीड़ा पड़ जाता है तो क्या ऐसा यूज करें, क्या ऐसा ट्रिक लगाएं या दवा लगाएं जिससे कि हमारे चावल में कीड़ा ना पड़े, फिर हमारे घर में हमारे किचन में इसी तरीके से छोटा छोटा प्रॉब्लम डेली आता रहता है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये चीज के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। और इसमें कोई एक डेडिकेटेड आपको टारगेट लेकर नहीं चलना है कि मैं किचन के ऊपर ही बनाऊंगा या घर से रिलेटेड ही बनाऊंगा, दैनिक जीवन में जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम आता रहता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम आता रहता है, उसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, टिप्स ट्रिक दे सकते हैं कैसे घर को सजाना है, कैसे अगर आपका आलमारी का पेंट चला गया तो कैसे आप उसे दोबारा से पेंट कर सकते हैं, या फिर कपड़े को कैसे सही से करके रखना है, कैसे आलमारी में आप अपने कपड़े को सही से करके रखें कि एक कपड़ा खींचने के बाद दूसरा कपड़ा ना गिरे, ये मैं तुरंत इंस्टेंट सोच के आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से घर में बहुत सारा छोटा मोटा प्रॉब्लम होता रहता है, दिक्कत आता रहता है, बस आपको उसी को आइडेंटिफाई करना है और आपको उन सभी प्रॉब्लम के ऊपर आपको वीडियो बनाना है। आपका वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 2-3 मिनट का आप वीडियो बना सकते हैं, बस आपके टाइटल में जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम सही से लिखना चाहिए, जैसे कि इस ट्रिक से आपके चावल में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ेगा, बस ये टाइटल डाले और आप बताइए कि हाँ अगर आपके चावल में कीड़ा पड़ रहा है, घुन पड़ रहा है तो ये ट्रिक आप यूज कीजिए, अगली बार से आपके चावल में कीड़ा नहीं पड़ेगा, चाहे चावल को 2-3 साल रखिए। तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं और जबरदस्त टॉपिक है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इन चैनल को देखकर आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि आपको किस तरह का वीडियो बनाना है, किस तरह से आपको काम करना है, और यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे साधारण साधारण टॉपिक पर इन्होंने वीडियो बना रखा है, बस आपको इसी तरीके से वीडियो बनाना है और उस वीडियो को सिंपल आपको अपलोड कर देना, कोई आपको ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप कोई भी एप्लीकेशन का यूज करके थोड़ा सा आगे पीछे का पार्ट आप काट दीजिए जिसमें आपने नहीं बोला है, बाकी बीच में तो आपको कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने वीडियो बनाया बस आप प्रॉब्लम को यहां पे बता रहे तो बीच में आप क्या एडिटिंग करेंगे। ये जबरदस्त टॉपिक है खासकर उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब पर काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। अगर आप एक हाउस वाइफ है, आपको घर भी चलाना है, बच्चों को भी संभालना है, और अगर आप यूट्यूब भी करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट टॉपिक है, इन टॉपिक के ऊपर आप जल्दी से वीडियो भी बना लेंगे और इसके लिए आपको अलग से कोई सामान भी मंगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये सामान खरीद कर लाएंगे तब वीडियो बनेगा। जो आपके घर में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है उसी के ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। स्टैंड भी नहीं है तो आप कहीं पर भी ऐसे मोबाइल रख सकते हैं बेड के ऊपर या कहीं साइड में रख दीजिए और अपना वीडियो बनाना चालू कर दीजिए। जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं आप वीडियो बनाना चालू कर दीजिए, बोलना चालू कर दीजिए, आपका वीडियो बन जाए, वीडियो को पॉज कीजिए, किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में ले जाकर आगे का जो थोड़ा सा पार्ट है जिसमें आप कैमरा वगैरह चालू कर रहे हैं या पीछे का जो पार्ट है जिसमें आप कैमरा वगैरह बंद कर रहे हैं उसे काट दीजिए, आपका कंप्लीट वीडियो फ्रेश वीडियो आपके पास आ जाएगा, अब बस आपको उसे अपलोड कर देना है। अकेला चैनल नहीं है, इस तरह का और भी हजारों चैनल है, तो आप अपना यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको इस तरह का चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इन चीजों से रिलेटेड और कुछ भी पूछना या सवाल है तो अपना आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।